हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इज विद बॉबी। और आज का वीडियो होने वाला है वन ब्रांड स्किन क्लीनर प्रोजेक्ट। इसमें जो ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ वो है गुड वाइब्स का, और गुड वाइब्स के मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैं बहुत ज्यादा बाय भी करती हूँ क्योंकि ये क्रुएल्टी फ्री होते हैं, पैराबेन्स फ्री भी होते हैं, इसलिए इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तो क्लीनर किस तरह से होता है एक्चुअली वो भी आपको पता चल जाएगा। और ये ऑयली स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई स्किन, सब स्किन वाले ये यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप जो है वो हटाऊंगी। कभी भी आप क्लीन अप करते हैं तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए प्रॉपरली। सो अगर कोई भी मेकअप वगैरह है तो उसे हटा लीजिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मेकअप हैं तो मैं हटाऊंगी। और हटाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ पॉन्स का विटामिन माइसेलर वाटर, और इसके थ्रू ही मैं अपना मेकअप हटाऊंगी। आप चाहें तो कोई ऑयल का यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी माइसेलर वाटर का। तो फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये, और ये है पीच गुड वाइब्स का पीच फेस वॉश, और ये नरिशिंग फेस वॉश है। ये ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और इसका कलर भी पीच टाइप का ही है। सो मैंने इतना सारा लिया, उसके बाद अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। तो मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद हमें यूज करना है स्क्रब। स्क्रब के लिए मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज स्क्रब, और ये स्क्रब भी ड्राई स्किन वाले या फिर कॉम्बिनेशन ऑयली कोई भी यूज कर सकते हैं। स्क्रब करने से आपके डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और आपका स्किन जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सो मैंने इतना सारा स्क्रब लिया, और अच्छी तरह से जो भी आपके मतलब ब्लैक हेड वाले एरिया होते हैं ना, लाइक चिन, नोज वगैरह, वहां अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए। तो मैंने स्क्रब कर लिया हुआ, उसके बाद हमें यूज करना है मास्क। मास्क के लिए मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा एंड कुकुम्बर फेस मास्क, एंड दिस इज बेस्ट फॉर पिंपल प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन। सो ये बहुत सुपर है यार, कसम से आप यूज करो इसे, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये पूरा ही फिनिश हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि मैंने आपके लिए रखा हुआ था दिखाने के लिए कि ये जरूर से आप बाय कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा है एंड बहुत रिफ्रेशिंग फेस मास्क है। पूरे स्किन पे आपको अप्लाई करना होता है, और मतलब स्मेल भी इसका मीन्स फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है बहुत। सो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, और आपके पिंपल अगर स्वेल्ड है ना, इन्फ्लेम्ड है, तो उसे भी ये कम करता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैंने मास्क अप्लाई कर लिए हैं, इसे आपको 10 मिनट तक छोड़ना है, मीन्स 5 से 10 मिनट में ये ड्राई आउट हो जाता है, उसके बाद से आपको वॉश कर लेना है। एंड ये मेरा मास्क ड्राई हो गया था, मैंने वॉश किया। मास्क को वॉश करने के बाद आपका फेस बहुत ज्यादा ही आपको अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये, और ये है गुड वाइब्स का टी ट्री स्किन क्लींसिंग टोनर, और ये टी ट्री है तो इससे आपके पिंपल्स वगैरह कम होते हैं। सो ये भी ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। ये जब आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सीरम यूज करना है, अगर आप यूज करते हैं तो, नहीं करते हैं तो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो सीरम के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये, और ये है गुड वाइब्स का पपाया एंड टी ट्री सीरम। एंड ये जो सीरम है ना ये प्रॉपर ऑयली स्किन के लिए है। सो ये है, सो मैंने सीरम भी अप्लाई कर लिया, और देख सकते हैं उसके बाद कितना अच्छा आपका स्किन लगता है, ग्लोइंग टाइप। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये, और ये है गुड वाइब्स का ही कोकोनट क्रीम। और गुड वाइब्स का ये कोकोनट क्रीम थोड़ा अलग वेरिएंट का है, मीन्स पहले ना अलग आता था, अभी भी दूसरा आता है। ये थोड़े ज्यादा प्राइस में है, 235 रुपीज का है ये, और इसकी पैकेजिंग इस तरह से है। और ये मैंने लिया प्रोडक्ट,
सो ये थे हमारे वन ब्रांड क्लीन अप रूटीन, और आप देख सकते हैं फेस आपका बहुत क्लीन हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जब आप क्लीन अप करते हैं तो। और जो भी प्रोडक्ट है वो सभी बहुत अच्छे हैं, आप उसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सेव टू फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।